Hello friends, welcome back to my channel. I am Rimi. Hope all are doing well. मैं इस वीडियो पे दिखाऊंगी कुर्ती के ऊपर फैब्रिक पेंटिंग करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए एंड आफ्टर पेंटिंग कैसे टेक क्या करना चाहिए ये सब. So let's get started. पेंट के लिए आपको चाहिए एक्रेलिक कलर्स. ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी. इसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं. कोई भी कलर लाइट शेड करने के लिए व्हाइट मिक्स करके कर सकते हैं. मैं कभी भी कलर में मीडियम यूज नहीं करती हूँ. एक्रेलिक कलर्स की डेट देख के लीजिए. आई मीन नाउ 2018 दिसंबर और आप 2015 की कोई भी कलर खरीद लीजिए वो बहुत ही ठीक होगा. जैसे मैं ये दिखा देती हूँ, ये 2015 की है. ये देख सकते हैं बहुत ही ठीक है. कलर करने में प्रॉब्लम होगा फिर. इसमें लिखा भी है नो मीडियम नेसेसरी. आप देख सकते हैं. नेक्स्ट चाहिए ब्रश. ब्रश की बहुत सारी वैरायटी है बट मैं सजेस्ट करूंगी जो ब्रश बहुत यूज होते हैं मोस्टली, जैसे फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश, एंगल ब्रश एंड फिल्बर्ट ब्रश. अगर आप कुर्ती टॉप साड़ी के ऊपर डिजाइन करना चाहते हैं तो ये सब ब्रश से आई थिंक हो जाएगी. ब्रश की हेयर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए. ब्रश को हमेशा पानी में भिगो के टिश्यू या क्लीन कॉटन के कपड़ों में वाइप करें. पानी ना रहे. कलर करने के बाद फिर से पानी में भिगो के कलर जो है फिर टिश्यू में वाइप करें. आप माइल्ड सोप या हैंड वॉश से भी क्लीन कर सकते हैं ब्रश को. मैं हैंड वॉश से क्लीन कर रही हूं. वाइप करें. ब्रश को हमेशा टेक केयर करें, नहीं तो ऐसा भी हो सकते हैं. कपड़े के ऊपर पेंटिंग करने से पहले कपड़े के नीचे कार्डबोर्ड का यूज करें. मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बॉक्सेस काट के यूज करती हूँ. अब नेक्स्ट हाउ टू टेक केयर आफ्टर फैब्रिक पेंटिंग. सबसे पहले मैं बोलूंगी आफ्टर वॉश ये कलर कुछ नहीं होता. ये देख सकते हैं ये बहुत पुरानी हो गई. मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ. एंड आफ्टर वॉश ये कलर सेम ही है. इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं. कॉटन के कपड़े के ऊपर पेंटिंग करने से पहले कपड़े को पहले प्री वॉश करके प्रेस करें, फिर पेंट करें.
इस डिज़ाइन की भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, आप चाहे तो देख सकते हैं। पेंट करने के बाद 24 आवर्स कपड़े को रख दीजिए, देन रिवर्स साइड पे प्रेस कीजिए। सी यहाँ प्रेस कीजिए, स्टीम आयरन मत करना। 72 आवर्स के बाद वॉश भी कर सकते हैं, मशीन वॉश ना करें, नॉर्मल हैंड वॉश करें। डिजाइन के ऊपर स्क्रब ना करें, ड्रेस को डायरेक्ट सनलाइट में मत दीजिए, कलर फेड हो सकती है। ये थी कुछ बेसिक टिप्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू सी माई वीडियो, हैव अ वेरी गुड टाइम एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, सी यू माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।